राजिक कुरैशी, ये नाम अब आपको भी याद हो गया होगा क्योंकि इस नाम का व्यक्ति भले ही लोगों और पुलिस की भी नजरों से दूर हो, पर लगातार ये पुलिस के चंगुल से बाहर रहते हुए भी अपनी आवाज से ही अपने एजेंट्स के संपर्क में बना हुआ है। जी हाँ, पैसा डबल करने का झांसा देकर कई लोगों से लाखों और करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले राजिक कुरैशी का फिर एक बार छुपे रहते हुए भी अपने एजेंट से संपर्क बनाए रखने का एक और ऑडियो क्लिप सामने आया है। राजिक, राजिक सुनना, हाँ हाँ बाकी बोलो। हाँ बोल। सबसे अपने दिमाग में एक सबसे बड़ी सबर पैदा कर लो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लोगों के द्वारा, तुम्हारे भाई भाइयों के द्वारा पैसा डाला हुआ पैसा, मैं एक रुपए भी कहीं से वहीं आगे पीछे कभी, मैं खुद मैं बोल रहा हूँ, मेरी हिम्मत तो क्या, मेरी रो भी कभी सोच नहीं सकती। दूसरी चीज, आज मैं अगर हूँ तो मेरे पास सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि तुम लोग अपना रह दिल हल्का करने की, कम से कम मेरे पास मेरा नंबर है, तुम 100 बार फोन लगा सकते हो और नहीं लगा तो एक शाम को कम से कम गाली दे सकते हो मेरे को, मेरे पास में वो भी बंदा कोई नहीं है। रही बात ऐसी, इस बार राजिक अपने ही एजेंट्स पर धोखा किए जाने का आरोप लगा रहा है। वो अपनी महिला एजेंट से कहता है कि उसने करीबन 6.25 करोड़ रुपए एजेंट्स को दिए थे, पर इन्हीं एजेंट्स ने लोगों को पैसे बांटने में कोताही की है, जिसकी भरपाई अब खुद राजिक को करनी पड़ रही है। हेलो, हाँ बोलना, सुन रही ना मैं, बोलना क्या मालूम है क्या? हाँ। आज की तारीख में मेरे मालूम में भरोसे के आदमी भरोसे के नहीं रहे, ये इन लोगों को सबको पैसे दिया, ये नशे कर रहे हैं, इंडिया खा रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोलूँ तेरे को, सबको डालने दे तू। बोलते कि मैं भरोसा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ करके मैंने बहुत सारों को भरोसे में बुलाया, पैसा भी दिया, आगे पीछे बहुत आगे पीछे करे। दूसरी चीज, अभी अगली सुबह विड्रॉल होगी तो मैं खुद लोगों को बुलाऊंगा, इस बार तुम लोगों का नंबर लगेगा, दिक्कत नहीं है, मैंने बोल के भी रखा हूँ तुम्हारे को, लेकिन कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भागा हुआ, मेरा नंबर बंद भी आता है। तो तुमको ये सोचना है कि फोन चालू करेगा, फोन करेगा, हड़बड़ाने से मतलब नहीं है, एक मैसेज डाल दो, जब तक रिप्लाई नहीं आता तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक कर बैठे रहो, यही समझ लेना कि तुम्हारे को तकलीफ हुई है ना, तुमको मालूम है मैं कैसे बच्चा हूँ, उसकी कीमत मैं अदा कर दूंगा। मैं तेरे को क्या बोल रही, मैंने जो तेरे को मैसेज डाली ना, थोड़ा सा तू मैसेज पहले पढ़ ले, मेरी बात समझ में, तेरे को क्या बोल रही हूँ, बाबा राजिक बाजी बोल रही, मैंने जो तुमको मैसेज डाली और वो नंबर पर थोड़ा तू कांटेक्ट कर, नहीं खाली तू मेरा पढ़, मेरा पढ़ और वो पढ़ करके तू उस पर कांटेक्ट कर, मेरी बात समझ पहले, मैं तेरे को क्या बोलना चाह रही हूँ, जो परेशानी में आज अपन है ना, वो अपनी परेशानी अल्लाह ने चाहा तो वो हल भी हो जाएगी, और अपने शुरुआत से जो करना है अपने को अपन वो कर भी सकते, समझ ले, समझ रहा। अरे नहीं नहीं, मालूम है ताजबाग के लोगों से, ताजबाग नहीं है, ताजबाग के नहीं है वो, वो बंदे ताजबाग के नहीं है, ताजबाग के नहीं है, ताजबाग के नहीं है वो बंदे, ना अपने भी नहीं है वो बंदे, तो बता रही हूँ। पैसा मैं बोल रही हूँ तेरे को, जैसा तूने बोल दिया था ना कि 2-4 दिन तक के बाजी अपन ना, 2-4 दिन में मैं करवा देता हूँ करके, शादी वाले इतना परेशान कर रहे, बाबा राजीक रोने धोने हो गए, कार्ड लाके छाती पटक दिए, कोसा काटी करके जा रहे, बहुत गंदा गंदा बोल रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा राजीक अब। आज मेरा अकाउंट चालू रहता प्राइवेट लिमिटेड, ये वो सब कुछ, आज मैंने अभी इतने सारे लोगों को पैसा दिलवाया, लोगों ने मेरे पैसे भी मान से बांटे नहीं ना, किसको दिलवाया, हमारे को तो नहीं मिला, बाबा दिलीप को तो नहीं बटवा दिया, 7-6 करोड़ रुपए करीब करीब, तब भी लोग अभी तक चाप रहे हैं। अरे बाप रे बाप रे, कब कुछ तो कम हो रहा था, मेरे भाई को तो 1 रुपया नहीं मिला बेटा, मेरे भाई को तो 1 रुपया नहीं मिला, मेरा भाई तो लंग लंग, सबसे पहला पार्सल मिला था उसके बाद में कभी नहीं मिला, तुम्हारे भाई को पहला पार्सल मिला था, बस पहला पार्सल कौन सा, अगले महीने, अच्छा उनको ये वो लेके आए थे तब, हाँ तो उसमें से भी तो नहीं आया लोगों को पैसा, पैसा ही नहीं आया ना, वो जितना बांटना था बच्चों ने उतना बांट दिए थे, जब मैंने आया था तब 30 लाख रुपए का पार्सल आया था ना, 24 लाख 30 लाख, हाँ तो वो तो बांट दिए थे 22-23-24 को, हमारा जब काम बंद हुआ उसके प्रोजेक्ट पे 24-25 तारीख को ही आया था ना पार्सल, 23-24 तारीख को, हाँ फिर दिलीप भाई को मैंने 4 लाख रुपए दिया, हाँ ठीक है, हाँ और वो जो कलम जमा थी इनकी, हाँ तो इन लोगों ने वो जब 22-23 तारीख को पैसा बांटे ना, 23-24 तक पैसा बांटा है ना, बांटे ना इन लोगों ने पैसा चिल्लर लोगों को। इस पूरे धोखाधड़ी के मामले में शामिल राजिक कुरैशी के एजेंट्स एक दूसरे पर संदेह जता रहे हैं। ऑडियो में आप भी साफ सुन सकते हैं कि खुद राजिक दिलीप, समीर, फहीम, अप्पू जैसे एजेंट्स का नाम लेता है और इन्हीं पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाता है। हाँ सही बोल रहा तू, डेट हाँ, उसको देना है, उसे विड्रॉल लेना है, मतलब समझ लो कि उतनी क्रिप्टो करेंसी
बाहर से लेने वाला बंदा ढूंढना पड़ता है। हाँ। क्योंकि अपने देश की औकात 1 करोड़ रुपए देने की है, 1 करोड़ वो भी बंद कर दिया विड्रॉल हेवी लिक्विड। हाँ। दूसरे दिन पहुंच जाती है ईडी, 1 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी बेचने वाला इंसान को लेकर के बी2बी में बेचना पड़ता है। हाँ, सही बोल रहा हूँ। तो मैं विड्रॉल ढूंढता हूँ और पैसे इनको देते जाता हूँ। अच्छा, अब ये बोलते हैं कि किसी, मैं कभी किसी एक विड्रॉलर के पास मेरे को अकाउंट नहीं बोला। हाँ। पर ये आते से था लोग हराम खोरे मेरे चोर, मालूम है क्या? अभी बहुत सारे लोग झूठ झपाट भी बोल रहे हैं, चालू कर दिए, बोलते वहाँ पे हिसाब में कि जितना पैसा था नहीं उतना भी है बोल रहे हैं, बोलते हैं कुछ लोग बाबा रे सब लिखा हुआ है जिसने जितना दिया उतना। बस मेरे घर में बोले लोग पत्थर मारने आए थे, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से लोग देखा बोले कि जिनका मेरे को कभी शक्ल ही नहीं देखा हूँ। हाँ सही बोल, मतलब एक ने 50,000 लगा तो सब पे 4 लोग मीट के उठ के आ रहे तमाशा देखने के लिए, क्योंकि लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार बहुत है, नहीं तो अपन तो लोगों को यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा जिसका है उसका हमारे पास लिखा हुआ है, जिसकी एंट्री है उसी को देंगे, हमने डायरेक्ट बोल दिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे लोग इतने कमजोर है ना, ये सब लोग, इनके मालूम है इनके जिगर और कलेजे में इतना गुर्दा नहीं, क्यों पता है? क्यों नहीं इनके सीने में शेर और मर्द, ये नशा कल करके खाली हो गए। बस सही बोल रहा तू। खुदा से चोरी, वक्त से चोरी, परिवार से चोरी, अहबाब से चोरी, मेरे से चोरी, बस से, खुद से। अबे मेरे चेहरे से लूटे बक्सा ने किससे चोरी करे, इसलिए इनके कलेजों में खुदा ने हिम्मत नहीं बरसा, समझ रहे हो कि नहीं? मैं तो फिर भी हिम्मत लगा के टंगे की चोर को बात करता हूँ। मैं तेरे को क्या बोल रही हूँ, लोगों को जवान भी नहीं दे सकता। दिक्कत क्या है, मेरे को डर नहीं लगता, मैं भागा हुआ नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्ट अपनी पीएन को फोन मारू, मेरे पूरी हिम्मत है, वो तो रिश्वत मांग रहे थे, मैं डायरेक्ट बोला मैं से बात करूंगा। हाँ तो मैं तेरे को क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही, जान देना बंदर को, उसको लेती ना, मैं पहले अपने लोगों का पता तो निकल लेते, फिर उसको कैसा लेना, मैंने सब प्लानिंग बना करके रखी हूँ, यहाँ तक के बढ़िया लड़की ने मैं उधर प्लानिंग बना के रखी है, उसको मार लेगी। हाँ हाँ तो वही अभी भी सीक्वेंस वाइज विड्रॉल करने में मैं लगा हुआ हूं, अब लेकिन मेरा मेरा मेरे हिसाब से हाँ। मेरा ये पूरा सीक्वेंस वाइज विड्रॉल 15 से 18 दिन के अंदर में खत्म हो जाने वाला है। अच्छा, पूरा है ना हाँ। और मेरे हिसाब से ये मैं लोगों के हाथ में हाँ। मतलब मैं पूरे अपने एजेंट बुलाऊंगा हाँ। जैसा सोमेंद्र का तो हुआ वैसा तो नहीं होने दूंगा मैं हाँ। मैं एक वीडियो कैमरा रखूंगा हर इंसान से, आपको मांगू तुम्हारा कितना हिसाब, दिलीप भाई तुम्हारा कितना हिसाब, तुम्हारे को मैंने आज तक कितने दिया, कहीं भाई तुम्हारा कितना हिसाब, ये पूरी वीडियो बना के रख लूंगा। इतने पैसे मैंने इनके अकाउंट में सुपरतनामा लगाया ठीक है पहली बात, कैश बांटने लायक कि कितना भी कुछ ईमानदारी का धंधा हो ये लोग कैश उजागरी से बांट ही नहीं सकते। फिर एक बार इसी बात का जिक्र होता है कि महज 10 से 15 दिनों की ही बात है फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। एक और जहां अब तक इतनी बड़ी धोखाधड़ी के मामले में पुलिस के हाथों मुख्य आरोपी राजिक कुरैशी का पता नहीं लग पाया है, वहीं दोबारा राजिक कुरैशी अपने एजेंट्स के संपर्क में बना हुआ है। अब जिस तरह राजिक कुरैशी इन 15 दिनों तक सब्र करने और आने वाले अच्छे दिनों की बात कर रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 15 दिनों में ये मामला शांत होता है या फिर इतनी बड़ी धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी राजिक कुरैशी पुलिस के हाथों क्या लग भी पाता है या नहीं।